हेलो दोस्तों, एप्पल ने iOS 14 का जो ऑफिशियल वर्जन है वो इंडिया के लिए भी रिलीज कर दिया है। अराउंड मोर देन 14 फीचर्स के साथ iOS 14 लॉन्च हुआ और बहुत सारे डिवाइस को सपोर्ट करता है। कौन कौन से डिवाइस को सपोर्ट करता है, आपको अपडेट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और एक बहुत सिंपल वे जिसके थ्रू आप अपना जो डिवाइस है, जो आईफोन का डिवाइस है जिसको अपडेट अलाउ है, वो कैसे आप अपडेट कर सकते हैं iOS 14 के साथ में, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऐसे फीचर पैक्ड ओएस के साथ में iOS 14 रिलीज़ हो गया जो इंडिया के लिए है। किन किन डिवाइस को सपोर्ट है, तो जिन डिवाइस को सपोर्ट है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कंप्लीट डिवाइसेस हैं, इसमें चाहे iPhone 11 हो, iPhone 10 हो, और भी थोड़े पुराने जनरेशन को, इनफैक्ट iPhone 6 तक के वर्जन्स को है, iPod 7 जनरेशन के जो iPods थे उनको सपोर्ट है, कई एक iPad को सपोर्ट है, iPad mini को सपोर्ट है, iPad Air को सपोर्ट है। तो बहुत सारे डिवाइसेस को सपोर्ट दिया है iOS 14 का। इन सारे डिवाइसेस को iOS 14 मिल जाएगा। बेसिकली जिन डिवाइस में iOS 13 था उसमें iOS 14 आ जाएगा, आप आराम से अपडेट कर सकते हैं। प्रिकॉशंस किस बात के लेने हैं, यस, आपके पास एक रिलायबल नेट कनेक्शन होना चाहिए, आप हॉटस्पॉट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं दूसरे मोबाइल फ़ोन का अगर आपको उसका नेट सही लगता है तो, और साथ ही साथ आपके डिवाइस में जो इंटरनल स्टोरेज है वो डिसेंट होनी चाहिए। और आप ये इंटरनल स्टोरेज कैसे बना सकते हैं, सबसे सिंपल तरीका ये है कि iCloud के ऊपर डेटा डाल दीजिए। अगर iCloud भी भर जाता है, क्योंकि आपको जो फ्री ऑप्शन है वो 5GB का ही मिलता है, अगर iCloud भी भर जाता है तो जो अनवांटेड एप्लीकेशंस है, गेम्स है, वो अनइंस्टॉल कर दीजिए। आप अनवांटेड इमेजेस या वीडियोज़ को अनइंस्टॉल कर दीजिए। स्टिल अगर फिर भी जगह नहीं खाली होती है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखे रखी है जो आप ऊपर लिंक पे जा करके क्लिक करके देख सकते हैं। वो है कि आप गूगल फोटोज़ के ऊपर आईफोन वगैरह का जो डेटा है वो कैसे डाल सकते हैं, जो वीडियोज़ और इमेजेस जो सबसे ज़्यादा डेटा लेती है गूगल फोटोज़ पे डाल सकते हैं। और अगर आपका फ़ोन फॉर्मेट भी हो जाता है, एकदम खाली भी हो जाता है, तो भी आपकी जो इमेजेस हैं वो गूगल के ऊपर सिक्योर्ड रहेगी। तो प्लीज़ उस वीडियो को वॉच कीजिए सो दैट आप भी अपने मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज बना सकें। एंड ये सब करने के बाद, इट मीन्स कि एक अच्छे रिलायबल वाईफाई के साथ साथ अपने डिवाइस में प्रॉपर स्पेस बनाने के बाद, आप किस तरीके से iOS अपडेट कर सकते हैं, तो सिंपल है, सेटिंग्स में जाइए, जनरल पे टिक कीजिए, सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है उस पे टिक कीजिए। सी आपको iOS 14 यहाँ पे दिख रहा है, आप वहाँ पे क्लिक करके नीचे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे जो ब्लू कलर का बटन है उस पे टिक कर दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, आपके नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। सो एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो एप्पल प्रोडक्ट है वो रेडी टू यूज़ होगा विथ iOS 14। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मेरा एक लाइक बनता है, और श्योर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, एप्पल फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं रेगुलरली आपके लिए अपडेटेड और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता रहूँगा। टेक केयर, बाय।